हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे जंगली बैंगन। जंगली बैंगन जो है हमने ग्रो बैग में लगाया है और वह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, ये देखिए हमारा जंगली बैंगन जो है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। पीछे जो हमारे जंगली बैंगन ज़मीन में लगे हुए थे उन पर जो है फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन जो है हमारा फल सही तरीके से पक नहीं पाया। उसका कारण ये था कि दोस्तों उसमें कीड़ा लग चुका था और उसकी केयर सही तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन अब की बार जो है ये हमने ग्रो बैग में लगाया है और ग्रो बैग में बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसको जो है हम जो भी बीज बनेंगे यानी सीड पॉट भी बनने लगे हैं और इन सीड से जो है हम दोबारा जब भी हम सीड तैयार कर चुके होंगे तो वीडियो बनाएंगे। यदि जिसको सीड चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब सीड तैयार हो तो वह हमें कॉल कर सकें। दोस्तों देखिए, यह जो है बहुत ही मोटी स्टेम हो जाती है इसकी, जंगली बैंगन की। और इस प्रकार से यदि जंगली बैंगन को जो है ग्राफ्ट किया जाए, जंगली बैंगन के ऊपर बैंगन, टमाटर, मिर्ची ग्राफ्ट की जाए तो बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। हमें भी इसी प्रकार से इसी मकसद को तैयार करके जब हमने इसको लिया था, लेकिन अभी तक हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं क्योंकि पीछे हमने तैयार किए थे पौधे और ग्राफ्टिंग भी दिखाई थी, वीडियो में हमारे पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों अभी जो है इस सीज़न में हम इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाए। अभी जो हमने जो हमारे पिछले सीड थे उनको लगाया है, अब देखते हैं यदि हो जाते हैं तो उनसे जो है हम ज़रूर इसी प्रकार से ग्राफ्टिंग करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से सीड जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं और मैं आपको इसका नीचे का पोर्शन भी दिखाऊंगा जो हमने ग्रो बैग में लगाया, इसकी स्टेम कितनी मोटी है, कितना मजबूत यह पौधा बन जाता है। और इसमें देखिए कितना मोटा, कितना एक पेड़ कितना होता है यह। यदि इस पर छोटे पर ही ग्राफ्टिंग कर दिया जाए तो हमारा बैंगन जो है वो काफ़ी दिन चलेगा, क्योंकि यह जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है न्यूट्रिशन ऊपर देता रहेगा और बैंगन का पौधा जो है अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ता रहेगा। देखिए दोस्तों, इसे बाटा भी कहते हैं झारखंड उधर की भाषा में। इस प्रकार से हम जो है हम चाहते थे इन तीनों ब्रांचों पर अलग अलग भी वो ग्राफ्टिंग कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। ये देखिए दोस्तों हमारा पुराना बैंगन का पौधा जो कि हमने काट दिया है, देखिए किस प्रकार से कितनी मोटी स्टेम है इसकी। देखिए पौधा नहीं कहेंगे हम इसको, एक पेड़ कहेंगे क्योंकि यह एक पेड़ की तरह ही हो जाता है। इस प्रकार देखिए आप कैसे जो है बहुत बड़े पेड़ के रूप में एक ज़बरदस्त जो है इस पर जो है लगे हुए थे जंगली बैंगन, आप देख भी सकते हैं फ्लावरिंग भी हुई थी। लेकिन हम एक ये कीड़ा बहुत ज़्यादा था इसमें, इसलिए जिसको हमने काट दिया इसकी हम केयर नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसके नीचे से स्टेम देखिए कितना मोटा यह जो है नीचे से बना हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो है कितना बढ़िया रूट स्टॉक तैयार होगा यदि हम इस पर जो है जंगली बैंगन पर बैंगन की या मिर्ची की, टमाटर की। अभी आगे मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि आप जो है किस प्रकार से इसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हमने सीड जो है लगा दिए हैं और देखते हैं हमारे यदि सीड उगते हैं तो आपको ज़रूर उसका दिखाएंगे हम। दोस्तों कितना बढ़िया ये जो हमें लग रहा है, आपको दिखाने में भी मज़ा आ रहा है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें जब ग्राफ्टिंग हो जाती है तो उस समय जो है कीड़ा बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम मात्रा में इसमें कीड़ा आएगा और हमारा पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों यदि आपको इसके सीड चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। अपना मोबाइल नंबर कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं यदि आपको सीड चाहिए तो। और हमने वीडियो में अपने पिछले बैंगन के वीडियो में सीड के लिए ना मोबाइल नंबर भी दिया है। बहुत अच्छे इसके जो है ग्राफ्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए दोस्तों इसकी स्टेम जो है एक प्लांट की तरह, पौधे की तरह ना हो करके दोस्तों एक पेड़ की तरह होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से यह ग्रोथ कराता है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए आप खुद देख सकते हैं हमारे इसमें टेरेस में लगा हुआ यह जो है हम इस प्रकार के यहाँ पर जो है हम
अभी आपको बैंगन की ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे कि इस पर जो है बैंगन की ग्राफ्टिंग कितनी सक्सेस रहती है। स्टैनी पर हम बैंगन की ग्राफ्टिंग करेंगे। दोस्तों आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।